भोले के जयकारे के साथ शुरू हो गई बाबा बर्फानी की यात्रा। जम्मू बेस कैंप से तड़के 4 बजे बाबा अमरनाथ के भक्तों का पहला जत्था रवाना हुआ। यात्रा पर आतंकी खतरे को देखते हुए पूरे रास्ते पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो यात्रा की सुरक्षा के हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF के अलावा इस बार NSG कमांडोज को भी तैनात किया गया है। पहली बार अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए CRPF के बाइक दस्ते को भी सुरक्षा में लगाया गया है। तो देखिए, लोगों का भी उत्साह किस तरह से देखते बन रहा था। पहला जत्था रवाना हुआ है, इस बीच सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इनपुट आ रहे थे कि कैसे अमरनाथ यात्रा को आतंकी निशाना बना सकते हैं, घुसपैठ लगातार की जा रही थी, लेकिन एक खास स्ट्रैटेजी भी तैयार की गई सुरक्षा को देखते हुए। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस बार खास तौर पे देखने को मिल रही हैं। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस पूरे सुरक्षा के दौरान CRPF के बाइक दस्तों को भी लगाया गया है, ताकि जगह जगह पैनी नज़र रखी जा सके। और बड़गाम से इस वक्त सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, पहला जत्था रवाना हो चुका है, लोगों में कितनी खुशी थी? क्या एक तरीके से कहें कि वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो पूरी तरीके से उनके माकूल है? जी हाँ, देखिए, अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है और पहला जत्था निकल गया है। पहला जत्था जम्मू के कैंप से निकला और ये श्रीनगर पहुंचेगा। श्रीनगर के आगे फिर ये गांधरबल होते हुए आगे बडगाम की तरफ ये जत्था जाएगा। हमारे साथ यहाँ लोकल्स भी हैं। लोकल्स के मन में, यहाँ के स्थानीय लोगों के मन में इस यात्रा को लेकर क्या सब बात चल रही है? क्योंकि लोगों के मन में काफ़ी डर था पहले कि आखिर जिस तरीके से पिछले साल जो आतंकवादी गतिविधियां हुई थी, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी, वैसी स्थिति ना हो, उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने भी सुरक्षा के काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था किया है। और उसके साथ साथ स्थानीय लोगों के मन में भी ये आ रहा है, क्योंकि टूरिज्म अगर बढ़ता है तो यहाँ के लोगों के लिए भी ये एक अच्छी खबर होगी। हमारे साथ वकार हैं। वकार, आप बताइए कि यहाँ आप लोग क्या सोचते हैं इन श्रद्धालुओं के लिए? बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे 2 महीने पहले यहाँ के लोग इसकी इंतजाम में लग जाते हैं, प्रशासन हो, लोकल लोग हो, सब इनके इंतजाम करने में लग जाते हैं। जो आपको पता ही है, जम्मू से कल यात्रा निकलेगी और पहुँचेगी गांधरबल के बाद ही ये पहुँचते हैं सबसे पहले बेस कैंप मनीगाम में, वहाँ पर ये रात को रुकते हैं, उसके बाद ही ये पहुँचते हैं सुबह सवेरे दुमेल की ओर। उसके बाद ही जब दुमेल से जाते हैं, यात्रा जाते हैं, अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए इनको इजाज़त मिलती है। कुल मिलाकर ये जैसे बता रहे हैं कि स्थानीय लोगों ने 2 महीने पहले से ही ये लोग तैयार रहते हैं कि यहाँ पर लोग आएंगे और उन लोगों का कैसे किस तरीके से खातिरदारी करनी है। तो कुल में ये इस वजह से यहाँ के लोगों में उत्साह काफी दिखाई पड़ रहा है। हम तमाम सुरक्षा की अगर बात करें, बडगाम से संतोष आपको लगातार दिखा रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह से पहला जत्था रवाना हुआ है। संतोष, एक बात और भी मुझे बताइए, सुरक्षा के लिहाज से कई ऐसी चीजें जो पहली बार देखने को मिल रही है, और उसी में CRPF की वो बाइक भी है जो सुरक्षा के लिए तैनात की गई। जी हाँ, देखिए, सुरक्षा के लिहाज से इस बार बहुत ही सख्त, मतलब यूँ कह सकते हैं काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था है। CRPF के जवान जगह जगह पर दिखाई पड़ेंगे पूरे यात्रा के दरमियान, हर जगह पर सुरक्षा बल और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी दिखाई पड़ेंगे। हर एक 100 मीटर से 150 मीटर के आसपास पर ये लोग की तैनाती की गई है इन लोगों की, ताकि यात्रियों के मन में कोई भय पैदा ना हो। और इसको सबसे बड़ी बात यहाँ ये भी है कि पहली बार गृह मंत्रालय सीधी तरीके से नज़र रख रहा है इस पूरी यात्रा पर, पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए अब इसको सेंट्रलाइज किया गया है ताकि नज़र जो है पूरी तरीके से गृह मंत्रालय रख रहा है, तो ऐसी कोई चूक ना हो, ऐसी कोई जो आतंकवादियों के मंसूबे थे उन मंसूबों को कामयाब होने में मददगार हो। तो इसलिए CRPF की जवान जगह जगह पर आपको दिखेंगे, सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर के पुलिस दिखाई पड़ेंगे। हमारे साथ एक स्थानीय है, ये सुरक्षा के बारे में बताएंगे। आप लोग यहाँ सुरक्षा जिस तरीके से देख रहे हैं वो पहले ऐसा था? जी देखिए, इससे पहले भी सुरक्षा ऐसी ही थी, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या CRPF के जवान हो, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज कुछ ज़्यादा ही कुछ हो गया है कि हम जो लोकल हैं यहाँ पर, हम खुद भी सुरक्षा यात्रियों की कर
करते हैं, चाहे वो टूरिस्ट हो कोई भी हो, हम खुद संतोष ये बात बड़ी अच्छी लग रही है, यहाँ पर अच्छी तरह से सुकून भी देती है, हम उनसे प्यार करें, वहाँ के स्थानीय लोग कैसे पूरे सहयोग की बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि यात्रा अच्छी तरीके से पूरी हो जाए, लोग अच्छी तरह से दर्शन कर पाए, इसके लिए वो किस तरह से सहयोग करते हैं, वाकई ये चीजें ना दिल को सुकून भी देती है। आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो संतोष इस वक्त बडगाम में मौजूद है, जो वहां से लगातार आपको तस्वीर भेज रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कैसे पहला जत्था आज रवाना हुआ है।